हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी सुपर किचन। आज मैं आपको मूंग की दाल बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये दाल बन जाती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ 1 कप मूंग की दाल को धो कर के अच्छे से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इसके साथ साथ मुझे यहाँ हींग चाहिए, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर और पानी। आइए इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने इंडक्शन को ऑन करेंगे और इंडक्शन को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक बोल अपनी धुली हुई मूंग की दाल डालेंगे। इसमें हम 3 बोल पानी भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और पिंच ऑफ रेड चिलीज जस्ट फॉर द टेस्ट, यू कैन ऑप्ट इट। इसके साथ साथ मैं यहाँ हींग डालूंगी। मूंग की दाल बिना हींग के अधूरी है, क्योंकि हींग का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मूंग दाल में। अब हम अपने इंडक्शन को ऑन कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को। कुकर की लिड को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अपना इंडक्शन फुल फ्लेम पे कर दिया है। 1 विसल आने के बाद हम अपना इंडक्शन स्लो कर देंगे। 1 विसल आ चुकी है, अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को 600 वाट पे कर दिया और 5 मिनट इसी तरह पकने देंगे। 1 विसल आ चुकी है, अब हम कुकर को साइड में रखेंगे और स्टीम के निकलने का वेट करेंगे। और जब तक हमारा स्टीम निकल रहा है, तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ जीरा लिया है, हींग लिया है, 1/2 चम्मच घी और 1 से 2 ग्रीन चिली जस्ट फॉर द टेस्ट। हम ना इंडक्शन ऑन करेंगे। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है हम सबसे पहले इसमें हींग ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हींग, और जैसे ही हमारा हींग हो जाता है हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। और जैसे ही हमारा जीरा तड़कने लगेगा हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हमारा तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसे दाल में डालेंगे। और हमारी दाल बिल्कुल रेडी है।